बड़ी खुशी की बात है कि आज 4 साल के बाद साथी अभी कुछ नहीं आए लेकिन इकट्ठे हुए हैं इंशाल्लाह इस तरह जैसे बकायदा प्रोग्राम और सारे साथी इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। अल्लाह ताला बरकत अपनी डाले इस जगह पर और हम सारे फिर एक दफा फिर इकट्ठे होके वो माहौल पैदा करें जो आज से पहले होता था। चंद शेर बिल्कुल मुख्तसर से, ये नात कोई और ट्यून में पड़ी गई है, मैं अपने अंदाज में इसको पढ़ रहा हूँ। और एक शेर जो हमेशा पढ़ा करते हैं उस नात के भी आपके सामने पेश कर दूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल कसदर भटक जाएंगे हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे उनके चश्मे करम 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 को है इसकी खबर किस मुसाफिर को है कितना शोक सफर हमको इकबाल जब इजाजत मिली अंबिया का के दरबार तक जाएंगे फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं गुलामी का हमेशा हक अदा करना गुलामों तुम गुलामी का हमेशा हक अदा करना गुलाम हमेशा ही गुलामों तुम गुलामी का हमेशा हक अदा करना गुलामों तुम
नमक आका का खाते हो, नमक आका का खाते हो, तो आका से वफा करना। नमक आका का खाते हो, तो आका से वफा करना। गुलामों गुलामी का हमेशा हक अदा करना।